करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सिक्स क्लास का नेक्स्ट पार्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि आपको अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ, लास्ट ईयर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्विज हुई थी, मेंटल मैथ क्विज, उसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, तो इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देखें और सीखें, दूसरों को जरूर सिखाएं। मैं हूँ हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो बच्चों यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए इक्वल 48 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू फोर इक्वल पार्ट्स, ठीक है, ये ए और ई क्या है 48 है और इसको फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 1, 2, 3, 4 और इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, तो हम क्या करेंगे 48 को आप 4 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो 4 1 4 4 2 8 यानी ईच पार्ट की लेंथ जो आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज माइंड में भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना 3 इंटू AE, ए ई की क्या वैल्यू है 48, तो 48 लिखेंगे और यहाँ पर 4 और माइनस 2 BC, BC की वैल्यू बच्चों 12 है, 12 लिख देते हैं और यहाँ पर 1, ठीक है। तो 4 से आइए डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 4 4 1 4 4 2 8, तो 12 इंटू 3 हो गया 36 माइनस 12 2 24, ठीक है। आप 36 में से 24 माइनस करते हैं तो 12 आ जाता है बच्चों, तो 12 सेंटीमीटर यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर उसको भी मैंने पहले से लिख के रखा हुआ, ये देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। देखो फाइंड करना है 2AB/3 माइनस 3CD/2। अब यहाँ पर बच्चों 2AB, अब AB की तो लेंथ गिवन है यहाँ पर 6, तो 6 लिख देता हूँ और नीचे 3 माइनस 3 इंटू CD की लेंथ 2 है तो 2 लिख देते हैं और यहाँ पर 2, ठीक है। तो 3 1 3 3 2 6 इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए, 2 से 2 हो गया, 2 इंटू 2 तो ये हो गया बच्चों 4 और माइनस 3, ठीक है। तो 4 में से 3 माइनस कर देंगे 1, तो 1 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो लिखा फाइंड द एंगल बिटवीन एनी टू कंजेक्यूटिव स्पोक्स, ठीक है। कोई भी यहाँ पर है 2 जो ये स्पोक्स हैं, इसके बीच का ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है बच्चों, देखो ये सर्कल बनता है कितने डिग्री पर, 360 डिग्री पर, ये याद रखना आपको, सर्कल हमेशा 360 डिग्री पर बन जाता है। और कितनी स्पोक है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको 8 से आप डिवाइड कर दें तो आपका एंगल आ जाएगा, ठीक है। 8 4 4 32 और यहाँ पर हो गया 4, बच गया 4 और 0 यानी 48 5 40, तो 45 डिग्री का एंगल आएगा बच्चों, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये भी मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं क्लॉक के बीच, क्लॉक में जो ये हैंड्स गिवन है, ये आवर्स हैंड और ये मिनट हैंड, इनके बीच का ये हमें फाइंड आउट करना है कि एंगल कितने डिग्री का है। अब सबसे पहले आपको जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है कि ये सर्कल कितने डिग्री पे बनता है। ये सर्कल 360 डिग्री पे बनता है और उसको डिवाइड कर देना है। देखो यहाँ पर ये जो 12 तक काउंटिंग लिखी हुई है, ये सभी इक्वल डिस्टेंस पर लिखी हुई है, 1, 2, 3, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल इक्वल है, तो इसको आप 12 से डिवाइड कर दें क्योंकि 12 तक लिखा हुआ है। आइए तो 12 3 36, 0 यू की यूँ, तो 30 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल, तो देखो यहाँ पर 1 से लेके 6 तक कितने हैं, ये काउंटिंग कितनी लिखी हुई है, 1 2 3 4 5, यानी इसको 5 से आप क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो 150 डिग्री आ जाता है। अब 150 डिग्री तो आपका आंसर आ गया, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब मिनट की सुई, ये जो मिनट की जो हैंड है ये 6 पर आती है, तो आवर की जो हैंड है वो 1 और 2 के बीच में आ जाती है बच्चों, बिल्कुल बीचों बीच आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है एंगल, ये जो है ना यहाँ पर, तो ये नहीं करना है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बच्चों, 30। अब 30 का यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया इक्वल इक्वल में, यानी 15 ऊपर हो गया 15 नीचे, ऐसी तो हुआ ना,
तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट काउंट नहीं होगा तो हम इसमें से 15 माइनस कर देते हैं। तो बच्चों 135 डिग्री आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, यहाँ मैंने लिख के रखे हैं, अब सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर गिवन है 12 × 15 = 180, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है 120 × 150, ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों देखो, अगर हम देखें तो इसमें 10 और इसमें भी 10, यही तो एक्स्ट्रा हुई। तो अगर 12 × 50 की जो वैल्यू है या प्रोडक्ट है वो 180 आता है, तो इसमें तो 20 एक्स्ट्रा हो गई, तो इसके आंसर में 20 एक्स्ट्रा आप लगा दीजिए, ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वेयर विल यू रीच इफ यू मूव 4 नंबर्स लेफ्ट साइड ऑफ -8। अब यहां पर बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये देखो यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। और मान लीजिए यहां पे 0 है और इधर ये राइट हैंड साइड की तरफ क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इधर होते हैं माइनस के, ये इस तरीके से। तो ये लिख लेता हूं मैं एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मैं समझा सकूं। तो यहाँ पर -9 और इधर ये -10, -11 और इधर ये -12, इस तरीके से। अब इसमें लिखा है देखो, वेयर विल यू रीच इफ यू मूव 4 नंबर्स लेफ्ट साइड ऑफ -8। ये -8 है, इसकी लेफ्ट साइड कौन सी होगी बच्चों, आपकी ये होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 नंबर मूव कर दिया, 1, 2, 3, 4, तो आप कहां पर पहुंच जाएंगे, -12 पर पहुंच जाएंगे, तो ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर लिखा फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब कभी भी इस टाइप से फ्रैक्शन आए और बीच में क्या हो, इक्वल का साइन, तो आपको क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहां पर कर लेते हैं, 9 को एक्स के साथ किया मल्टीप्लाई, 9x आ गया, और इंटू 7 को 63 के साथ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी है, 7 × 63 और 9 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया, 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 63। तो 7 × 7 होता है बच्चों 49, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल ईजी है, रीड करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 300, ठीक है। यहां पर कोई नंबर है, 2 नंबर है ऐसे, इनको प्रोडक्ट किया तो 300 आता है। इफ देयर एचसीएम इज 5, फाइंड देयर एलसीएम। अब बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो एलसीएम फाइंड आउट करने का, तो ऊपर तो आएगा न्यूमेटर में प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, डिवाइड में एचसीएफ, ठीक है, इस तरीके से। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है 300 और एचसीएफ है 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 × 6 = 30, 0 यू क्यों, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एलसीएम क्या होगा, 60 होगा, ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों यहां पर देखो, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल इन हेक्सागन। अब हेक्सागन में बच्चों कितनी साइड होती हैं, पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है। हेक्सागन में होती है 6 साइड, कितनी होती है, 6 साइड्स होती हैं। अब बच्चों डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है, एन ब्रैकेट एन माइनस 3 और बाय 2। तो किसी भी पॉलीगन हो, कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी फिगर हो, तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करके, ठीक है, डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर 6 है, n यानी कि n इक्वल क्या होगा, 6 होगा, n का मतलब साइड से है, तो यहां पर लिखा n, तो 6 लिख दिया ब्रैकेट 6 − 3, n माइनस 3 है ना, तो 6 − 3 ब्रैकेट बंद और यहां पर 2। आइए तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो 6 × 6 − 3 कितना हो गया, 3 हो गया, और बाय 2, 2 से डिवाइड कर दे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 × 3, 3 × 3 = 9, तो बच्चों 9 आ जाएंगे, ठीक है। जो हेक्सागन में डायगोनल्स होंगे वो कितने होंगे, 9 होंगे, ये आपका आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है।
इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, तो सोल्व करना है, बोर्ड मार्क्स का रूल अप्लाई करना है, और यहाँ पर 1270 माइनस, तो देखो 150 को 15 से डिवाइड करना है। आप चाहे तो इस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करने पे आएगा बच्चों 10, ठीक है। आप 10 इसमें से माइनस कर दीजिए तो 1260 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ये पार्ट कंप्लीट हो गया बच्चों। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। मिलते हैं एक नए चैप्टर पर, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।